आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीस क्लासेस में। और मैं हूँ प्रशांत चक्रवर्ती और मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, क्लास टेन का लेसन टू, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये समरी है, लेसन भी है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो वहाँ जाकर। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, द इनोग्रेशन डे मीन्स उद्घाटन का दिन था। 10th मई डॉन, 10 मई आ गई थी और इट वॉज ब्राइट एंड क्लियर, मौसम चमकीला और साफ था। मैनी वर्ल्ड लीडर्स हैड बीन कमिंग टू द ऑथर टू पे रिस्पेक्ट टू हिम। तो लेखक के पास शुभकामना देने के लिए दुनिया से काफ़ी नेता आ रहे थे। इट वॉज बिफोर द इनोग्रेशन, यह उद्घाटन से पहले का था। द इनोग्रेशन वॉज टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स देयर। उद्घाटन दुनिया के नेताओं का वह महानतम जमघट होना था, मतलब बहुत सारे नेता उस दिन 10 मई के दिन जो है साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर इकट्ठा होने वाले थे एक साथ, क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका का जो है ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का उद्घाटन था। वो लोग आज़ाद हो गए थे और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बने थे। आइए देखते हैं लिखा होगा आगे में, द प्लेस ऑफ इनोग्रेशन यानी उद्घाटन का स्थान। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन ए बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में एक बड़े खुले स्थान में कार्यक्रम हुआ। दिस वॉज नाउ द प्लेस वेयर द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज टू बी इंस्टॉल्ड। यह अब वह स्थान था जहाँ दक्षिण अफ्रीका की प्रथम गैर वर्ण सरकार का इंस्टॉल होना था, मतलब स्थापना करना था। द स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ लेने का कार्यक्रम, देखिए क्या लिखा है। ऑन दैट डे द ऑथर वॉज ऑन दैट डे द ऑथर वॉज इन द कंपनी ऑफ हिज डॉटर जेनानी। उस दिन लेखक मीन्स नेल्सन मंडेला ही अपनी पुत्री जेनानी, यानी नेल्सन मंडेला की पुत्री का नाम जेनानी था, वो अपनी पुत्री के साथ में ही था। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोवर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। प्रथम मिस्टर डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसके बाद देन थबो मेबेकी वॉज सोवर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थबो मेबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। इट वॉज द ऑथर्स टर्न देन, अब लेखक की बारी थी। He was sworn in as the president, और उसने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। He pleased to obey the upload to the constitution and devote himself to the well-being of the people. उसने संविधान की रक्षा करना, उसे मानना और व्यक्तियों की भलाई के प्रति लगाव रखने की शपथ ली। The author address, लेखक का भाषण। The author spoke to the newborn लिबर्टी, लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला। ही थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट, उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल मेहमानों का स्वागत किया, गेस्ट का। ही सेड दैट दे हैड कम देयर टू बी विथ हिज कंट्रीमैन इन द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। उसने कहा कि वे न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए आम विजय में उसके देशवासियों के साथ होने के लिए वहाँ आए थे। ही प्लीज टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से स्वतंत्र करने की शपथ ली। डिस्प्ले बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, जेट और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन यहाँ हुआ। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स कलरफुल साउथ अफ्रीका कैन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग देयर। कुछ क्षणों पश्चात दक्षिण अफ्रीका रंगीन जेट और हेलीकॉप्टर वहाँ यूनियन की बिल्डिंग पर उड़े। इट वॉज फॉर मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट, यह नई सरकार के प्रति उसके प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री यानी सैनिक वफादारी थी। देन द हाइएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैविंग मेडल्स ऑन देयर चेस्ट
सैल्यूटेड द ऑथर। फिर अपनी छाती पर मेडल यानी तमगे लगाए हुए मिलिट्री के उच्चतम जनरलों ने लेखकों को सलाम किया, सैल्यूट किया। ही थॉट दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मेनी ईयर्स बिफोर। उसने सोचा कि काफ़ी वर्ष पहले उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया होता। फिर देखिए, सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान का गाना। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर द ऑथर बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स। लेखक के लिए दिन को दो राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक किया गया, द वाइट सेंग्स नकोसे सिकलेल एंड द ब्लैक सेंग डाइस्टेम। गोरों ने नकोसे सिकलेल गाया और कालों ने डाइस्टेम गाया। दीज फॉर्म द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये गणतंत्र के पुराने गान थे। अब देखिए, द ऑथर्स थॉट, लेखक के विचार। ऑन दैट डे ऑफ द इनॉग्रेशन द ऑथर थॉट ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन के दिन उद्घाटन के दिन ही उस दिन लेखक ने इतिहास के बारे में सोचा। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द साउथ अफ्रीकन पीपल हैड फेस्ड अप देयर डिफरेंस विथ अदर ब्लैक स्किन पीपल। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में दक्षिण अफ्रीका के व्यक्तियों ने अन्य काले व्यक्तियों के साथ अपने भेदभाव समाप्त कर लिए, पैचअप कर लिए। दे हैड बिल्ड ए सिस्टम ऑफ सुपीरियरिटी ऑल्सो, और उन्होंने अपनी श्रेष्ठता के सिस्टम को भी बना लिया था। इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्शिट सोसाइटीज, यह सर्वाधिक सख्त समाजों के आधार था। दिस सिस्टम नाउ स्टूड ओवर टर्न, और अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई थी, ओवर टर्न हो गई थी। नाउ इट वॉज द सिस्टम दैट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। अब यह व्यवस्था थी जो सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानती थी। अब देखिए, द ऑथर रिग्रेट, लेखक का पश्चाताप। दिस डे कैम आफ्टर द सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ द पीपल, हजारों व्यक्तियों की कुर्बानियों के पश्चात यह दिन आया था। द ऑथर थॉट ऑफ हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज पीपल, लेखक ने स्वयं को उन सभी व्यक्तियों का निचोड़ माना। ही वॉज पेन्ड दैट ही कुड नॉट थैंक दैम, उसे कष्ट था कि वह उनका धन्यवाद नहीं कर सकता था। फ्रीडम फाइटर्स रिमेम्बर्ड, स्वतंत्रता सेनानी को याद करना। द पॉलिसी ऑफ एवारथिड क्रिप्टेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन हिज कंट्री एंड हिज पीपल। रंगभेद की नीति ने उसके देश और उसके व्यक्तियों के अंदर गहरा और काफ़ी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया था। दिस पॉलिसी हैड प्रोड्यूस ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर थाम्बोज, वाल्टर सिसलूज, चीफ लुथुलिश, यूसुफ डाडोज एक्सेट्रा। इस नीति ने महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे हो गया ओलिवर थाम्बोज, वाल्टर सिसलूज, चीफ लुथुलिश, यूसुफ डाडोज इत्यादि को उत्पन्न किया था। ये लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। दे वेयर मैन ऑफ ऑन अनकॉमन करेज, विजडम एंड जेनरसिटी, वे असाधारण उत्साह, बुद्धिमता और उदारता के व्यक्ति थे। द कंट्री वॉज रिच इन मिनरल्स, देश खनिज पदार्थों में अमीर था। बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ वॉज इट्स पीपल, परंतु इसका महान धन इसके व्यक्ति ही थे जो अब नहीं रहे। द डेफिनेशन ऑफ करेज, उत्साह की परिभाषा, साहस की परिभाषा क्या थी। फ्रॉम दीज पीपल द ऑथर लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह का अर्थ समझा। दे रिस्क देयर लिव्स, उन्होंने अपने जीवन को खतरों में डाला। दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर, उन्होंने काफ़ी संताप यानी काफ़ी टॉर्चर सहे। ही लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। उसने सीखा कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी परंतु इसके ऊपर विजय थी। अब देखिए, मनुष्य की प्राकृतिक महानता यानी मैन्स नेचुरल गॉडनेस क्या है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन ड्यू टू कलर ऑफ रिलीजन, कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता। दे कुड बी टाउट टू
they could be taught to love, उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है. love comes naturally to the human heart, प्रेम मानव दिल में प्राकृतिक रूप से आता है. In prison they were pushed to the wall, जेल में उन्हें दीवार तक लगा दिया गया था. He saw humanity in the heart of the guards, परंतु उसने गार्डों के दिलों में मानवता देखी थी. It was man's goodness, यह मनुष्य की अच्छाई थी. It can't be put out, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता. Man's duties, in life every man has 20 duties, जीवन में हरेक व्यक्ति के दो कर्तव्य हैं. टू हिज फैमिली, टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री, अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति. द ऑथर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फुलफिल दीज टू ड्यूटीज, लेखक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाई आई. लेखक मीन्स नेल्सन मंडेला. इट वॉज बिकॉज ए कलर्ड मैन इन साउथ अफ्रीका वॉज पनिश्ड इफ ही लिव्ड लाइक ए ह्यूमन बींग, यह इसलिए था कि दक्षिण अफ्रीका में काले व्यक्ति को यदि वह एक मनुष्य की तरह रहता तो सजा दी जाती थी. सच ए मैन वॉज फोर्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज ऑन पीपल, सो ही वॉज नॉट अलाउड टू डू हिज ड्यूटीज टू हिज फैमिली, ऐसे व्यक्तियों को अपने ही व्यक्तियों से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था, इसलिए उसे अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं थी. अब देखिए फ्रीडम डिफाइंड, करेज का डिफाइन देखें. अब फ्रीडम क्या है, देखिए स्वतंत्रता की परिभाषा. द ऑथर वॉज बॉर्न फ्री, लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ था. हर कोई स्वतंत्र पैदा होता है. एवरी वन वॉज बॉर्न फ्री. ही वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, वह स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. ही वॉज फ्री एज लॉन्ग एज ही ओबे हिज फादर एंड ओबे द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, वह अपने पिता की आज्ञा पालने और अपने कबीलों के यानी ट्राइब के प्रति रीति रिवाजों को मानने में स्वतंत्र था. बट सून ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वॉज इन इल्यूजन, लेकिन परंतु शीघ्र ही उसे महसूस हुआ कि उसकी स्वतंत्रता एक भ्रम था, एक इल्यूजन था. ही बिगन टू हंगर फॉर फ्रीडम व्हेन इट वॉज टेकन फ्रॉम हिम, उसने स्वतंत्रता के लिए भूखा मरना आरम्भ किया जब उससे ले लिया गया था. एज ए स्टूडेंट ही वॉन्टेड फ्रीडम टू रीड एंड गो, विद्यार्थी रूप में वह पढ़ने और जाने की स्वतंत्रता चाहता था. एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग ही वॉन्टेड फ्रीडम टू बी एज पर हिज पोटेंशियल ऑफ लाइवलीहुड एंड ऑफ फैमिली. जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में वह अपनी ताकत के अनुसार बनने की, अपनी और परिवार की रोजी रोटी की स्वतंत्रता चाहता था. डिजायर फॉर फ्रीडम मेड हिम बोल्ड, स्वतंत्रता की इच्छा द्वारा उसका बहादुर बनना. देखिए लिखा है कि बट सून ही सॉ दैट ही वॉज नॉट फ्री लाइक हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परंतु शीघ्र ही उसने देखा कि वो अपने भाइयों और बहनों की तरह स्वतंत्र नहीं था. देन ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद वह क्या किया, तब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दैट इज ANC को ज्वाइन किया, उसमें सम्मिलित हुआ, शामिल हुआ. देन हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, तब स्वतंत्रता की भूख उसकी भूख उसके व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक हो गई. द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव विथ डिग्निटी गैव हिम पावर, उसकी व्यक्तियों के शान से रहने की स्वतंत्रता के लिए इच्छा ने उसे ताकत दी. इट मेड हिम बोल्ड, उसने इसे बहादुर बनाया. इट मेड हिम लिव लाइक ए मॉन्क, उसने उसे एक भिक्षु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया. द चेन्स ऑफ हिज पीपल बिकम चेन्स फ्रॉम हिम टू, उसने व्यक्तियों की जंजीरें उसके लिए भी जंजीर बन गई. अब अंतिम एक लास्ट आता है, हाँ अंतिम एक लास्ट आता है. ऑपरेशन विदाउट ह्यूमैनिटी, देखिए अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले बिना मानवता के, लेखक जानता था. द ऑथर न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड लाइक द ऑपरेस्ड, लेखक जानता था कि अत्याचारी को अत्याचार सहन करने वालों की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए. ए मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम बिकम्स द हेटेड, एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणित हो जाता है. नो वन इज फ्री इफ ही इज टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम,
कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है यदि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा है। बोथ द ऑपरेशर एंड द ऑपरेस्ड आर रोब्ड ऑफ ह्यूमनिटी, दोनों ऑपरेशर भी ऑपरेस्ड भी यानी अत्याचारी भी और अत्याचार सहन करने वालों से मानवता छीन जाती है। इसलिए हमें ना तो सहना चाहिए ना ही हमें रुकना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए, हम चुपचाप नहीं देखनी चाहिए। तो ये लेसन जब लेसन को पढ़िए आपको पता चलेगा कि इसके बीच में और भी बहुत सारी घटना होती, तो समरी था और लेसन को डिटेल्स में हम पढ़ा चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में रखा हुआ, आप उनको देख सकते हैं और दोनों को मिला कर देखिए, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी और क्वेश्चन से लिखने में आपको ईजी होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ज्ञान मिल जाए, अच्छा वीडियो मिल जाए। और अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, तब तक भी